चलो सुनो बेटा, इसके अंदर जैसे मान लो मैं आपको सवाल पूछता हूं, ठीक है? पहले लल्लू सवाल करते हैं थोड़े से, फिर अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है? ऐसे पे आपको फिगर दे रखा है बेटा, ठीक है? और आपसे बेटा पूछ रहा है बेटा वो कि आर इक्विवेलेंट क्या है। तो कैसे देखो बेटा, सुनो, आपको सिखाया था मैंने सीरीज पैरेलल, बेटा याद है कल बात हुई थी हमारी, ठीक है? तो देखो बेटा, अगर मान लो यहां से कोई करंट गया, मान लो, तो जो करंट बेटा चार में जाएगा वही करंट बेटा दो में जाएगा, बेटा मानते हो? बोलो, रास्ता एक है बेटा, तो करंट तो वही जाएगा। तो ये चार और दो में करंट सेम है, इसका मतलब कैसे हो गया? ये सीरीज में बेटा मानते हो? तो चार और दो सीरीज बन गए, तो इनको हटा के मैं क्या लगा दूं बेटा? छह लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आना बोलो, आर वन प्लस आर टू कर दूं? सही है। तो चार प्लस दो क्या बन गया मेरे पास? छह बन जाएगा बेटा, ऐसे ये बन गया। अब सुन बेटा, जो करंट बेटा मेरे पास मान ले इसमें घुसा, दो में घुसा बेटा, वही करंट इसमें जाएगा बेटा, मानते हो? चार में, आना बोलो। तो ये दो और चार कैसे हैं सीरीज में बेटा, मानते हो? ठीक है, तो दो और चार सीरीज में बेटा, तो इनको हटा दूं बेटा मैं, दो और चार को, और एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं बेटा मैं, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? छह बन जाएगा बेटा, मानते हो? यहां तक कोई तकलीफ? बोलो भाई। अब बेटा ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, एक तो ये छह देखो ये वाला, और ये देखो बेटा तीन, इस छे का लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये वाला पॉइंट बेटा, मानते हो? और इसका राइट हैंड क्या है? ये वाला। क्या तीन का भी लेफ्ट हैंड यही है और तीन का राइट हैंड भी यही है बेटा, मानते हो? भाई छे और तीन के लेफ्ट और हैंड, लेफ्ट हैंड भी सेम है दोनों के, और छे और तीन के राइट हैंड भी सेम है। दोनों कैसे हो बेटा? पैरेलल में बेटा, मानते हो? तो पैरेलल का फॉर्मूला जो था मेरे पास, वन बाय या फिर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा मेरा क्या था पैरेलल का? वो था आर वन, ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे सम आता है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। तो छ इंटू तीन बाय छ प्लस तीन, यानी अठारह बाय नौ, यानी क्या बन गया बेटा? दो बन गया, आना बोलो। यस सर। तो बेटा ये तीन हटा दो, ये तीन हटा दिया, और ये छह हटा के क्या लगा दूं? दो लगा दूं यहाँ पे। अब बेटा देखो, जो करंट दस में जाएगा वही करंट इस दो में जाएगा बेटा, मानते हो? तो ये दस और दो बेटा कैसे हो गए? सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए। दस और दो क्या बनेगा? बारह बन जाएगा बेटा, मानते हो? अब ये बारह बन गया और ये छह, छह और बारह का लेफ्ट हैंड कॉमन है, राइट हैंड कॉमन है बेटा, मानते हो? तो कैसे हो बेटा ये आपस में? पैरेलल में बेटा, मानते हो? तो फिर से क्या लगाऊं मैं? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लगाऊं? ऊपर प्रोडक्ट आएगा आर वन आर टू, नीचे क्या आएगा? आर वन प्लस आर टू। तो छह इंटू बारह बाय अठारह, बहत्तर बाय अठारह, यानी चार।
तो फाइनल आंसर क्या आ गया? चारों बात चमकी या नहीं चमकी, बोलो भाई ईमानदारी से बोलो सब लोग। यस सर। भाई राहुल कल तो आया नहीं था भाई, क्या सर कल आया नहीं था राहुल तू? सर तबीयत ठीक नहीं थी सर। देख बेटा रेगुलर रहे, फिजिक्स हमारे सबसे टफ सब्जेक्ट है, रेगुलर रहोगे तभी समझ में आएगा बेटा, ठीक है? ओके सर। अब जो जो नहीं आ रहे ना उनको फोन करूंगा मैं घर पे। चलो लेक्चर देख लो, तुम लेक्चर देखते नहीं यार, बात वही है। देखते हैं सर यार, मुझे सब पता लगता है कौन कितना देख रहा है, ठीक है? YouTube पे सारा रिकॉर्ड आता है, मतलब किसने क्या देखा है क्या नहीं देखा, ठीक है? तो चलो सुनो, अब थोड़े लल्लू सवाल देखते हैं, ठीक है? आसान आसान से सवाल पहले कराता हूँ, ठीक है? पहले भी शायद मैंने कैपेसिटर बीच में कराया था ये, मान लो 6, 2 और बेटा ये 3, अगर कैपेसिटर याद है तुम कर दोगे ये। बताओ बेटा ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, याद है बेटा ये भूल गए हो? याद है सर। ठीक है बताओ, ये तीनों सीरीज में है क्या? नो सर। ठीक है गुड। देख बेटा मैंने बताया ये जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रही है? कंडक्टिंग वायर दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? ये कंडक्टिंग वायर, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी कंडक्टिंग वायर है और नीचे वाली भी बेटा क्या है? कंडक्टिंग वायर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? मैंने बताया था कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पे बेटा क्या मानोगे आप? पोटेंशियल सेम मानोगे। क्यों मानते हो सेम बेटा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं हम रेजिस्टेंस? जीरो मानते हैं। अब सुनो बेटा, देखो क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए है बेटा, मानते हो? तो दूसरा एंड कहाँ है इस वायर का? यहाँ। तो यहाँ भी बेटा क्या हो गया? ए, मानते हो? ऐसे बेटा यहाँ पे बी है, तो दूसरे एंड पे बेटा क्या मानेंगे हम लोग? बी मानेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम रीड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? रीड्रॉ। तो मैं पहले एक ए बना लूं और एक पॉइंट बी बना लूं। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में लगा रखा है हम लोगों ने? ए और बी के बीच में, मानते हो? ये वाला रेजिस्टेंस ए बी, ये भी ए बी के बीच में, ए बी। तीसरा ये तीन वाला भी ए और बी के बीच में। तो बेटा अब देखो ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये तीनों कैसे नजर आ रहे हैं? तीनों के लेफ्ट एंड कॉमन है, तीनों का लेफ्ट एंड कौन सा ए है और तीनों का राइट एंड क्या है? बी है। तो आपस में कैसे हो बेटा? ये पैरेलल में हो गए। तो बेटा क्या करूं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर। तो बेटा ये क्या आ गया? 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6। 6 एलसीएम ले लो, 2 आएगा, तो 6 बाय 4 आ गया बेटा, मानते हो? 2 आएगा। 1 बाय 2 मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, बाय गॉड 6 2 3। अच्छा सॉरी, यहाँ मैं लिखी गलती है भाई, तो मेरे बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं, समझ नहीं आई। 1 2 तो फिर भी एलसीएम 6 ही आएगा बेटा, ठीक है? एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1, तो बेटा 6 by 6 बन गया है ना, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। बात चमकी? यस सर। तो ये आसान सवाल है बेटा, कर पाओगे? बोलो भाई, ये समझ में आया कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है? कंडक्टिंग वायर से बेटा आप पॉइंट सेम मान लोगे, ठीक है? दोनों एंड पे चमका, ठीक है?
अब थोड़े दो चार एग्जाम्पल आसान आसान एग्जाम्पल कराता हूँ मैं तो आपको, सीरीज पैरेलल वाले, शायद मैंने कैपेसिटर में कराए थे याद हो तो। ये करवाया था ना कैपेसिटर में मैंने कि नहीं करवाया था? नो सर, नहीं करवाया। चलो ऐसा तो नहीं किया। आर इक्विवेलेंट निकालना बेटा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। मैं कराऊं क्या बेटा या करोगे? तो बेटा ये पॉइंट बी है, तो बेटा ये पॉइंट बी हुआ बेटा, मानते हो? क्योंकि ये वायर कैसी है, कंडक्टिंग वायर बेटा, मानते हो? हाँ ना बोलो। अगर ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट बी क्या होगा? बी। ये वायर कैसी है, कंडक्टिंग। तो बेटा ये पॉइंट भी क्या होगा, बी, क्योंकि वायर कैसी है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब क्या है, जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो बेसिकली, ठीक है। तो बेटा गुड, शाबाश खुशबू। अब बेटा आप ड्रॉ कर लें फिर से, एक पॉइंट ए ड्रॉ कर लें और एक पॉइंट बी ड्रॉ कर लें। तो बेटा ये बताओ मेरे को, ये वाला रेजिस्टेंस किसके लिए लगा हुआ है? ए और बी के बीच में मानते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस, ये भी किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये भी किसके बीच में, ए और बी के। ऐसे ये भी किसके बीच में, ए और बी के बीच। तो बेटा ये चारों कैसे हैं? पैरेलल है, गुड लक्ष्य। पैरेलल है तो बेटा क्या आएगा, वन बाय आर इक्विवेलेंट is equal to 1 by r plus 1 by r plus 1 by r plus 1 by r। तो बेटा ये ऊपर 4 बन जाएगा, नीचे r बन जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, r by 4। तो याद रखना, अगर मैं n रेजिस्टेंस लगाऊं पैरेलल में, सबकी वैल्यू r हो, यहाँ पे 3 लगाएं तो वैल्यू क्या आएगी, r by 3। n लगाता तो बेटा वैल्यू क्या आती मेरे पास, r by n आती किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात चमकी? आना बोलो भाई। यस सर, यस सर। चलो सबको समझ में आ रहा है भाई, किसी को ना आए तो पूछ लो भाई। बोलो भाई, शुभदीप बेटा आ रहा है? तरणवीर बेटा, ठीक है तरणवीर बेटा, रेगुलर आकर भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा आपसे क्या पूछ रहा है वो, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बोलो भाई, कर पाओगे या मैं कराऊं?
चलो सुनो, ये पॉइंट बी है बेटा, मेरे को पता है। तो बेटा प्लेन वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ भी बी आएगा, यहाँ भी बी आएगा और यहाँ भी बी आएगा। अब ये पॉइंट ए है, इसके बाद रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट को तो पता नहीं क्या है हमारे को, तो उसे क्या मान ले, एक्स मान ले बेटा। हाँ ना, बोलो बोलो भाई। यस सर। तो तीन पॉइंट बन गए, एक तो ए बन गया, एक एक्स बन गया और एक बेटा क्या बन गया, बी बन गया। अब बेटा ये देखो, सुनो, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, एक्स और बी के बीच में। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में बेटा, एक्स और बी। ये रेजिस्टेंस बेटा किसके बीच में, एक्स और बी। तब तो आसान है बेटा, देखो सुनो, ये तीनों मिलके क्या देंगे, कैसे तीनों, ये आर बाई थ्री, ये पैरेलल में है, और आंसर क्या देंगे बेटा अपने को, आर बाई थ्री, आर बाई थ्री देंगे। अब ये आर बाई थ्री और आर कैसे है, धीरे धीरे बेटा मानते हो। आना बोलो, अब जो करंट यहां जाएगा बेटा यही जाएगा। आना बोलो, तो क्या आएगा, R प्लस आर बाई थ्री यानी फोर आर बाई थ्री। गुड खुशबू, शाबाश, बात चमकी, ईमानदारी से बोलो सब लोग, बोलो भाई। यस सर। चलो ठीक, यस सर। मुश्किल लग रहा है बेटा क्या ये? नो सर। ठीक, नो सर। जहां दिक्कत लगे मैं, मुझे बोल देना, एग्जांपल और करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो एक दे दूं, बढ़िया सवाल दे दूं, करोगे क्या? यस सर। चलो, कंसेप्ट वही लगाना है लेकिन थोड़ा बढ़िया है। अपने को चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये आर, ये आर और नीचे वाला आर, बाकी दो जो है वो प्लेन वायर है, बाकी दो जो है वो प्लेन वायर है। तो बेटा एक तो पॉइंट ये आपको दे रखा है ए, और बेटा आपको, सॉरी यहाँ भी रेजिस्टेंस है, भूल गया, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है बी। आपको निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सवाल समझ में आया बेटा, ये प्लेन वायर है खाली, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बाकी सब जगह रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है और इसमें भी रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, निकाल पाओगे? सेवन आर बाई थ्री सर। सेवन आर बाई थ्री इज रॉन्ग बेटा। मैं कर रहा हूं बेटा क्या? चलो सुनो, देखो सब लोग, देखो भाई प्लीज। गुड बेटा, शाबाश।
खुशबू का सही है, शाबाश बेटा। अगर मान लो इस पॉइंट को मैं एक्स मान लूं बेटा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, एक्स होगा बेटा, मानते हो? आना बोलो, बोलो भाई पापियो। यस सर। तो बेटा बना क्या मेरे पास, तीन ही पॉइंट है मेरे पास, एक तो ए है, एक एक्स है और एक बेटा बी है, एक ए है, एक एक्स है और एक बी है। अब बेटा देखो सुनो, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, एक्स और बी के बीच में बेटा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, एक्स और बी के बीच में। अब बात करते हैं बेटा ये किसके बीच में है, एक्स और ए के बीच में। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, एक्स और ए के बीच में। ये बचा हुआ रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये डायग्राम बन गया बेटा सबसे, बोलो बोलो भाई। चलो अब ये दोनों क्या देंगे बेटा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल बेटा मानते हैं, पैरेलल में है तो दो पैरेलल में बेटा वैल्यू क्या बनेगी, आर बाई टू बन जाएगी बेटा, मानते हो? यस सर। तो ये बन जाएगा आर बाई टू। सिमिलरली बेटा मेरे को पता है कि ये आर और ये आर बेटा पैरेलल में है, तो इनका भी क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, आर बाई टू बन जाएगा बेटा, मानते हो? यस सर। अब ये वाला आर बाई टू और ये वाला आर बाई टू दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो r by 2 plus r by 2 क्या बन जाएगा, r बन जाएगा, शाबाश। तो बेटा ये r बन गया, अब ये r और ये r कैसे हैं, पैरेलल, पैरेलल में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, r by 2। अरे भाई सबको आया नहीं आया भाई, बोलो ईमानदारी से बोलना प्लीज, अगर छुपाओगे तुम्हारा नुकसान yes, है। मैं चाहता हूँ सबके नंबर आए, पूरे पूरे नंबर आए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं टीचर फ्रेंडली हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो मैं रिपीट करा दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, लेकिन नंबर पूरे चाहिए मेरे को इस साल। चलो okay, sir. रिपीट कर दूं, ठीक है कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो घबराते क्यों हो, पूछ ला करो यार, नहीं आया तो। चलो सुनो बेटा, रिपीट करने का बोल रहे हैं, एक बार कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देख बेटा मैंने क्या बनाया था बेटा, ये मैंने पॉइंट मार्क किया था बेटा एक्स, ये एक्स था, ये कनेक्टेड था इससे किससे, प्लेन वायर या कंडक्टिंग वायर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि दोनों के एंड पॉइंट पे जहां तक वो कनेक्टेड है वहां पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ एक्स मानना है तो बेटा वहां भी एक्स रहेगा बेटा, मानते हो? उसके बाद मैंने देखा कि पॉइंट कितने बन रहे हैं मेरे पास, पॉइंट बन रहे हैं एक तो ए बन रहा है, एक बी बन रहा है और एक एक्स बन रहा है। तो मैंने ए लिखा, एक्स लिखा और बी लिखा बेटा। फिर वन बाय वन मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को सेलेक्ट किया। तो बेटा देखो ये रेजिस्टेंस जो है वो किसके बीच में है, एक्स और बी के बीच में। तो मैंने एक्स और बी के लगा दिया बेटा, ठीक है। और बेटा दूसरा रेजिस्टेंस जो ये दिख रहा है आपको, सॉरी ये नहीं, एक्स और बी के कौन सा, ये रहा ये वाला, ये रेजिस्टेंस बेटा एक्स और बी के बीच में, मानते हो? तो मैंने लगा दिया एक्स और बी के बीच। उसके बाद बेटा मैंने देखा कि ये वाला रेजिस्टेंस एक्स और ए के बीच में, और ये वाला भी बेटा किसके बीच में, एक्स और ए के बीच में। और जो बचा हुआ था बेटा वो किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ऐसे बेटा। बात चमकी बेटा, ये डायग्राम बन गया था, बता भाई
हाँ बेटा यस सर ठीक है। अब बेटा देख इस वाले रेजिस्टेंस को देख, इसका लेफ्ट हैंड तो ए है, राइट हैंड क्या है एक्स है ठीक है जी। ऐसे ही बेटा इस वाले रेजिस्टेंस को देख, इसका लेफ्ट हैंड ए है और राइट हैंड क्या है बेटा एक्स है। तो दोनों के लेफ्ट और राइट हैंड सेम है बेटा, दोनों कैसे हैं पैरेलल में है। तो आर और आर दोनों मिले क्या दे देंगे बेटा पैरेलल में, आर बाय टू दे देंगे ठीक है जी। अब देख इस रेजिस्टेंस का लेफ्ट हैंड तो एक्स है, राइट हैंड बी है, इस वाले का भी लेफ्ट हैंड एक्स है और राइट हैंड बी है, तो फिर से क्या दे देंगे बेटा आर बाय टू दे देंगे बेटा मानती है। तो बस अब करना क्या है अपने को, ये दिख जाएगा ऐसे मिटा दा कर उसको ऐसे ठीक है जी। अब बेटा देख ये पता लग गया कि जो करंट बेटा यहाँ घुसेगा ऐसे उसका रास्ता एक ही है जाने का, तो R बाई टू और R बाई टू कैसे होगा बेटा सीरीज में, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास ये R बाई टू प्लस R बाई टू क्या बनेगा R बन जाएगा सीरीज में बेटा, तो बेटा ये R बन जाएगा। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों के लेफ्ट एंड A है और राइट एंड B है, तो दोनों के एंड पॉइंट सेम है बेटा, तो पैरेलल में हो जाएंगे, तो R और R पैरेलल में क्या देंगे बेटा R बाई टू दे देंगे। अब आ गया बेटा Yes. ठीक है बेटा, शर्माया मत करो, जो दिक्कत हो पूछ ला करो भाई ठीक है जी, सबसे फीस इक्वल ले रहे हैं हम लोग। चलो सुनो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ये करना भैया ढंग से करना, पॉइंट ए मार्क करना, ए कहाँ कहाँ पे है, बी कहाँ कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कैसे है, फटाफट करो। एक आंसर तो आया मेरे पास, नहीं बेटा चलो भाई मैं कराता हूँ सुनो। सर एक मिनट, चलो रुक जाता हूँ एक मिनट।
सबके आंसर सेम आ रहे हैं, या तो मेरे पास आंसर गलत है या तुम्हारा गलत है, देखते हैं भाई। दोनों का सेम आया खुशबू और मान्या का। लक्ष्य चमत्कार कर गया तुम तो। चलो भाई मैं करा रहा हूँ भाई, अमित हुआ तेरा, बोल भाई। सर चलो मैं कराता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, तुम पता नहीं क्यों। एक बात था अमित, मेरे को सुन देख, ये पॉइंट अगर मेरा ए है बेटा तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा बेटा, मानते हो। ये ए है तो बेटा ये भी प्लेन वायर दिख रही है बेटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, ए, मानते हो। आना बोलो भाई, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक प्लेन वायर था बेटा, मानते हो। आना बोलो, अरे बोल तो पापियों। यस सर। अब ये पॉइंट बी था बेटा, ये प्लेन वायर है तो बेटा ये भी बी है, ये बी है बेटा तो ये भी क्या होगा, बी होगा। जहां तक रेजिस्टेंस ना है वहां तक सेम रहेगा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। आना बोलो। यस सर। अब बेटा सिंपल काम है, कुछ नहीं, दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए और बी दिख रहे हैं बेटा आपको। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए बी, ए बी के बीच में बेटा आठ। ये रेजिस्टेंस ए बी, ए बी के बीच में, अच्छा ये रेजिस्टेंस ए बी, ये भी ए बी के बीच में, अच्छा जी ये छह वाला भी ए बी, और ये तीन वाला भी, सारे रेजिस्टेंस कैसे हो बेटा, पैरेलल हो गए बेटा, मानते हो। आना बोलो। अब मेरे को ये बताओ, जैसे देखो आठ और आठ मिलके क्या देंगे, फोर, फोर देंगे बेटा, शाबाश। आठ और आठ मिलके क्या दे रहे हैं मेरे को, चार दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ चार लगा दिया। अब चार और चार मिलके क्या देंगे, टू देंगे बेटा, शाबाश। तो चार और चार को हटा के मैंने क्या लगा दिया बेटा, दो लगा दूं, पाप तो नहीं है। अच्छा ये बताओ छह और तीन क्या देंगे, टू, सिक्स इंटू थ्री बाय सिक्स प्लस थ्री, एटीन बाय नाइन, यानी टू देंगे। तो छह और तीन मिलके क्या दे रहे हैं, दो दे रहे हैं बेटा। अब ये दो और दो क्या देंगे, वन, वन बेटा, वन ओम आएगा। टेन क्यों लिख रहे हो आप लोग, अमित बेटा चमका या प्राण निकल गए, चमक गया सर, चमक गया, गुड, शाबाश। हाँ भाई क्या गलती की खुशबू बेटा, खुशबू और मान्या का दोनों का सेम था भाई, दोनों ने सेम गलती की, क्या गलती की राम जाने। और भाई लक्ष्य तूने क्या किया भाई, चमत्कार सर, जो एट वाले रेजिस्टर है वहां पे ए मान गया। अच्छा चलो भाई सुनो, अब नेक्स्ट दे रहा हूँ, अब ये गलत क्या तो पिटोगे साले, ठीक है जी। चलो ये खुदा रहा हूँ वायर, मतलब ये जॉइंट नहीं, मतलब तार ऊपर से जा रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये पॉइंट बेटा आपको ए दे रखा है, ये पॉइंट आपको बी दे रखा है, आर इक्विवेलेंट निकालना बिटवीन ए एंड बी। चलो करो,
सर 5R/4 शायद 5R/4 गलत आंसर पक्का 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 गलत है मान्या का सही है शाबाश मान्या का सही है वेरी गुड शाबाश बेटा चलो भाई मैं कराता हूँ फिर और कोई इलाज नहीं है खुशबू का भी सही है बेटा शाबाश चलो भाई तुम कर नहीं पा रहे यार ऐसे क्या करे तुम लोग यार सुनो ये पॉइंट ए है तो बेटा ये भी ए होगा बेटा मानते हो आना बोलो yes, ये पॉइंट बी yes, है तो बेटा ये भी बी होगा बेटा मानते हो आना yes, बोलो बेटा ये आर और ये आर कैसे हैं सीरीज सीरीज बेटा क्या बन जाएगा टू आर बन जाएगा बेटा तो मैं क्या करूँ इसको रब करके यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं टू आर लिख दूँ ये आर और ये आर सीरीज है बेटा मानते हो आना बोलो तो क्या लिख दूँ बेटा यहाँ पे टू आर लिख दूँ तो पाप तो नहीं है ऐसे ही बेटा मेरे को ये बताओ ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज बेटा मानते हो हाँ ना बोलो अरे बोल दो कुछ तो बोला करो पापियो अब ये वाला आर और ये वाला आर दोनों कैसे हैं सीरीज बेटा मानते हो तो ये क्या बन गया टू आर बन गया अब तो कहानी खत्म होगी ए और बी पॉइंट बनाओ ये टू आर किसके बीच में ए और बी के बीच में ये टू आर किसके बीच में ए और बी के बीच में ये वाला टू आर भी किसके बीच में ए और बी के बीच में ये वाला टू आर भी किसके बीच में ए और बी के बीच तो 2R/4 आ गया यानी R/2 चमका भाई ईमानदारी से बोलो सब लोग बोलो भाई यस सर ठीक है एक और दे दूं करोगे अब यस सर चलो Find R equivalent.
बोलो भाई क्या आ रहा है फटाफट बेटा। इसे x मान लूं तो ये भी x बन जाएगा बेटा, मानते हो? ठीक है बेटा। तो बेटा ये अब मैं तीन पॉइंट बन गए, a बन गया, x बन गया और b बन गया मेरे पास। 10/3 आ रहा है, देखते हैं भाई। 10/3 को नहीं आया, देखते हैं, मैं निकाल लेता हूँ। ये किसके बीच में बेटा? a और x के बीच में। ये किसके बीच में? ये भी a और x के बीच में। ये किसके बीच में? x और b के बीच में। ये किसके बीच में? 2 और मतलब इसमें x और b में। तो ये बन जाएगा कितना बेटा मेरे पास? ये बन जाएगा 4/3 पैरेलल में। ये बन जाएगा कितना? 3/2। तो बेटा 4/3 प्लस 3/2 जो भी आया देख चेक कर लो, ये आंसर आएगा मेरे हिसाब से। बात चमकी या नहीं चमकी? चमक गई सर। चलो भाई फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी बेटा मेरी, ठीक है? तो आज के लिए इतना करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। बाय।